हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन के बारे में, आज हम लोग डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। डिवीज़न में क्या होता है? डिवाइड करना तो सबको आता है। अब हम लोग देखते हैं डिवीज़न में, फिर से उसको पढ़ेंगे। डिवीज़न हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं? डिवाइड करना तो सबको आता है। मान लीजिए 5 को 18 से करना है, 3 टाइम्स में ले गए 15, ये 3। अब इसको क्या क्या बोलते हैं? ये है हमारा डिवाइजर। क्या है हमारा डिवाइजर? ये है कोशेंट। कोशेंट ये है हमारा डिविडेंड। डिविडेंड और ये है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि इसके रूल्स क्या क्या हैं। रूल्स के बारे में जान लेते हैं। रूल रूल नंबर वन रूल नंबर वन क्या है? ए नंबर डिवाइडेड बाई वन इज द नंबर 8 सेल्फ। मतलब कोई नंबर है, मान लीजिए 2, 4, 8, 9, 6, ये नंबर है हमारा, इसको हम डिवाइड करते हैं 1 से, तो हमारा नंबर क्या होगा? इसका नंबर हो जाएगा ये 2, 4, 8, 9, 6, यही नंबर होगा हमारा। रूल नंबर टू, ए नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इज 1। 3, 9, 4, 8, 0 डिवाइडेड बाय 3, 9, 4, 8, 0। अगर कोई सेम नंबर, एक ही सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो हमारा क्या होगा? 1 आएगा आंसर। क्या होगा? 1 आएगा। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड हमारा क्या है? रूल नंबर थर्ड है डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। थर्ड रूल क्या है? मान लीजिए 8, 3, 4, 9, 6 है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 0 से तो ये नॉट डिफाइंड, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब इसका आंसर 0 में भी नहीं है, तो इसलिए लिखे हैं नॉट डिफाइंड। उसी तरह रूल नंबर 4 एक आ जाते हैं, ए 0 इज रिमूव्ड फ्रॉम द राइट ऑफ ए नंबर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई 10। मान लीजिए कोई नंबर है 8, 3, 6, 9, 4, 0, इसको अगर हम मान लेते हैं 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा? ये जो लास्ट में एक 0 है वो हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर सिंगल 0 है तो यहाँ
ये लास्ट वाला हमारा जीरो कट हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर क्या होगा 8, 3, 6, 9, 4। हमको पूरा पूरा डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको ओरली भी कर सकते हैं 8, 3, 6, 9, 4, बस ये ज़ीरो नहीं होगा। उसी तरह रूल नंबर 5 हमारा क्या है, रूल नंबर 5 zeros are removed from the right of a number when it is divided by 100। हमारा कोई नंबर है 9, 4, 8, 6, 5, 9, 5, 0, 0, डिवाइड करते हैं 100 से, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये जो 100 से डिवाइड कर रहे हैं इसमें दो ज़ीरो है इसलिए ये दो ज़ीरो हट जाएगा, सिर्फ हमारा आंसर क्या होगा 9, 4, 8, 6, 9, 5। अगर हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं 3, 6, 8, 4, 0, 0 डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या होगा आंसर हमारा 3, 6, 8, 4, ये जो ज़ीरो है वो हट जाएगा। अगर हमारा नंबर कुछ इस तरह से है 3, 4, 8, 0, 0, 0 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सिर्फ दो ही ज़ीरो हटेगा, क्योंकि यहाँ 100 है तो इसमें डबल ज़ीरो है इसलिए डबल ज़ीरो ही हटेगा, ये नहीं हटेगा 3, 4, 8, 0, हमारा आंसर हो जाएगा 3, 4, 8, 0। ये था हमारा डिवीज़न का रूल्स। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन पे आने से पहले हम लोग एक फॉर्मूला जान लेते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये हम लोगों को याद रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, राइट डाउन क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। हमारा नंबर है 296 डिवाइडेड बाय 10। इसका सिर्फ हमको क्वोशेंट और रिमाइंडर बताना है, तो हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, हम सीधे ओरली इसको करेंगे, ओरली करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 है, इसमें एक सिंगल जीरो ही है, तो सिंगल जीरो है यानी कि ये लास्ट का जो एक डिजिट है लास्ट से लेंगे, एक ज़ीरो जो है ये 20 कोसेंट हमारा क्या हो जाएगा, कोसेंट और रिमाइंडर ही निकालना है, तो कोसेंट जो है हमारा ये 29 ही होगा और ये रिमाइंडर जो होगा ये लास्ट सिंगल जो लास्ट डिजिट है वो हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 10083 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, तो इसमें कोसेंट और रिमाइंडर क्या होगा, कोसेंट हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक
100 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यहाँ 00 है इसीलिए लास्ट का जो दो जीरो दो डिजिट है उसे हम सिर्फ लिखेंगे 83। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया 100 और रिमाइंडर क्या हो गया 83। हमको डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है, हम इसको ओरली भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 439098 डिवाइड बाय 1000। डिवाइड बाय 1000 है तो हम क्या करेंगे, लास्ट का तीन जो डिजिट है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, और जो ये हमारा है ये वाला डिजिट वो हमारा क्वोशेंट हो जाएगा। तो क्वोशेंट हमारा 439 होगा और रिमाइंडर हमारा क्या होगा, जीरो हम लिखते नहीं है, कोई भी डिजिट के आगे जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम 98 लिखेंगे। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 98। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिविडेंड, फाइंड द डिविडेंड क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन 23, रिमाइंडर 80। क्वेश्चन हमारा 23 है, रिमाइंडर 80 है, और डिवाइजर क्या है, 100। हमको क्या निकालना है, डिविडेंड। हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ किए हैं, फार्मूला हमको मेरा फार्मूला ये है, इसी पर हमको पुट करना है, डिविडेंड निकालना है हमको। डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या है, कोसेंट। कोसेंट हमारा 23 है, रिमाइंडर मल्टीप्लाई डिवाइजर, डिवाइजर हमारा क्या है, 100, मल्टीप्लाई 100 और प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है, 80। 2300 हो जाएगा और प्लस 80, हमारा आंसर क्या होगा, 2380। सिंपल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या है, 5406 रिमाइंडर है 6 और डिवाइजर है 100। उसी तरह से करना है, ये फॉर्मूला हमारा दिया हुआ है, डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट, कोसेंट है हमारा 5406 मल्टीप्लाई डिवाइजर, डिवाइजर है हमारा 100 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है 6, और कितना हो जाएगा, 5406 और 00 प्लस 6, उसमें 6 ऐड हो जाएगा, 540606, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन रहता है, फाइंड द कोसेंट एंड एंड रिमाइंडर,
फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। क्वेश्चन है हमारा 2 6 3 = 0 डिवाइडेड बाय 66। हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 66 2 6 3 = 0 को ले जाएंगे, ये हमारा जाएगा 3 times में 198, 3 times में जाएगा 198। अब इसको इससे माइनस करेंगे, 13 से 8 जाएगा 5, 15 से 9 जाएगा 6, ये कट हो गया 650। अब कितने बार में जाएगा 66, 9 टाइम्स में जाएगा 54, 594, ये हो जाएगा हमारा 9 टाइम्स में 594, 6 9 5, और ये हो जाएगा कट, और यहाँ 0 उतरा 66, ये 8 टाइम्स में जाएगा 59 50 51 52, ये हो जाएगा हमारा 8 टाइम्स में 5 2 8, 10 से 8 गया 2, ये हो जाएगा 5 से 2 गया 3, ये कट हो गया 320, और ये 66 4 टाइम्स में जाएगा 264, 6, 11 से 6 हो गया 5, 56। तो हमारा कोशेंट और रिमाइंडर क्या आया, कोशेंट आया हमारा 3984 और रिमाइंडर क्या आया 56। इसी तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्या है क्वेश्चन, जैसे यहाँ रहता है डिवाइड एंड चेक योर आंसर। डिवाइड करना है, उसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन को चेक भी करना है। क्वेश्चन है हमारा 8 3 0 1 5 3 2, इसको कैसे डिवाइड करना है 64 से। डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में जाएगा, 13 से 4 ले जाएंगे 6 7 8 9, और ये 7 से 6 गया 1 192। इसके बाद 64 2 8, और ये हो गया 12 128, हमारा 2 टाइम्स में जाएगा 128, माइनस करते जाएंगे इसमें, ठीक है, 10 से 8 गया 2, 8 से 2 गया 6, ये कट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिजिट उतरेगा हमारा 1, अब इसको कितने बार में ले जाएंगे 64, 9 जैसे चेक कर लेते हैं 36 54 55 56 57 576, 9 टाइम्स में ले जाएगा ये 576, 11 से 6 गया 5, 11 से 7 गया 4, और ये कट हो गया। उसके बाद एक और नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे आ जाएगा 64
फोर जा और ज़्यादा टाइम्स में जाएगा ये। सिक्सटी फोर सेवन टाइम्स में चेक कर लेते हैं। सिक्सटी फोर सेवन जा फोर फोर एट, फिफ्टीन से एट गया हमारा सेवन, और फोर से फोर कैंसिल, फोर से फोर कैंसिल। अब उतरा नीचे हमारा थ्री, वन टाइम्स में जाएगा। सिक्सटी फोर थर्टीन से फोर गया सिक्स सेवन एट नाइन, और ये कट हो गया। ये नाइन्टी टू वन टाइम्स में ही जाएगा। सिक्सटी फोर ट्वेल्व से फोर, और ये हो गया हमारा एट से सिक्स टू। ये हमारा कोसेंट और ये हमारा रिमाइंडर। कोसेंट हमारा क्या आया, वन टू नाइन सेवन वन वन, और ये हुआ रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आया है, ट्वेंटी एट। अब इसको चेक भी करना है। हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड हमारा क्या है, एट थ्री जीरो वन फाइव थ्री टू। कोसेंट हमारा क्या है, वन टू नाइन सेवन डबल वन। डिवाइजर क्या है, सिक्सटी फोर, और रिमाइंडर क्या है, ट्वेंटी एट। लेफ्ट हैंड साइड वाला हमें कुछ नहीं करना है, ये चेक नहीं करना है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वन टू नाइन सेवन वन वन को सिक्सटी फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, वन टू नाइन सेवन डबल वन को सिक्सटी फोर से मल्टीप्लाई करते हैं। फोर फोर ट्वेंटी एट का टू कैरी, थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट का थ्री कैरी, ये हो गया हमारे एट नाइन टेन अलेवन फाइव। नेक्स्ट हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स सिक्स फोर कैरी, फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट, फाइव कैरी, सिक्स टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस फाइव थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन, सेवनटीन का वन कैरी हो गया। उसके बाद सिक्स वन जा सिक्स सेवन, ये हमारा हो गया। उसको ऐड कर देंगे लास्ट में, फोर टेन का वन कैरी, नाइन और सिक्स हो गया फिफ्टीन, फिफ्टीन का वन कैरी, नाइन टू अलेवन, नाइन टेन ट्वेल्व थर्टीन एट। हमारा आंसर क्या हुआ, एट थ्री ज़ीरो वन फाइव ज़ीरो फोर। उसके बाद हमारा आंसर क्या है, एट थ्री ज़ीरो वन फाइव ज़ीरो फोर, एट थ्री ज़ीरो वन फाइव ज़ीरो फोर को प्लस कर देंगे ट्वेंटी एट से, हमारा आंसर आ जाएगा ये, एट थ्री ज़ीरो वन फाइव थ्री टू। यानी कि ये हमारा जो है इस नंबर से इस नंबर मैच कर रहा है, यानी कि हमारा दोनों इक्वल है, एलएचएस और आरएचएस, यानी कि हमारा डिवीज़न सही है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आएगा, यानी कि हमारा डिवीज़न गलत है, तो हमको चेक करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन रहता है हमारा, डिवाइड द
ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर बाय द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर। क्या बोल रहा है? डिवाइड करना है सिक्स डिजिट नंबर को किससे? टू डिजिट के नंबर से, ग्रेटेस्ट टू डिजिट के नंबर से। तो हमारा, हम लोगों को पता है कि ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर क्या होता है। ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर क्या होगा? नाइन 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 नाइन, ठीक है। और ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर हो जाएगा हमारा 99। अब इसको डिवाइड करना है 99 को 999999। डिवाइड करते हैं, वन टाइम्स में जाएगा, कट हो गया, एक नाइन उतरा, लेकिन ये नाइन तो जाएगा नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ ज़ीरो बैठा देंगे। नेक्स्ट डिजिट आएगा हमारा नाइन, फिर से वन टाइम्स में जाएगा, उसके बाद एक नाइन और उतरा, नहीं जाएगा तो ज़ीरो बैठाएंगे, उसके बाद एक और नाइन आएगा, वन टाइम में जाएगा, 99, ठीक है। इसी तरह से बनेगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। डिवाइड डिवाइड स्मॉलेस्ट सेवन डिजिट नंबर बाय द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट सेवन डिजिट नंबर को किससे? फोर डिजिट के नंबर से, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। सॉल्यूशन, स्मॉलेस्ट सेवन डिजिट नंबर हम लोगों को पता है क्या होगा, वन जीरो 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 जीरो, सेवन डिजिट हो गया। उसके बाद स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, वन जीरो जीरो जीरो, क्या होगा। और क्या करना है हम लोगों को? डिवाइड कर देना है 1000 को 1000, सर डिवाइड करना है। आप लोग इसको डिवाइड कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तब तक के लिए डिवीजन का ये हमारा आधा क्वेश्चन है, उसके अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम और उसके आगे क्वेश्चन को जानेंगे। थैंक यू।